हेलो राधे राधे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ न्यू अपडेट so आपको यही सब बताने वाली हूँ तो गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप करके न जाए जिससे कि आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में मिल सके और वीडियो को लाइक like, शेयर जरूर कीजिएगा अगर हेल्पफुल लगती है आपको मेरी वीडियो तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रख ले जिससे कि आने वाली न... मेरी न्यू वीडियो में आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो गाइज चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और, और आपको बताते हैं कि आज के वीडियो में क्या नया है और क्या नई अपडेट है तो गाइज यूट्यूब पर इस समय एक बहुत ही सीक्रेट चीज के बारे में पता चला है जिससे कि आपका चैनल डेड हो रहा है आपके चैनल पर व्यूज भी नहीं आ रहे तो गाइस ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा किस लिए किया जा रहा है या ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है गाइस अब तक लोगों को यह नहीं पता था रिसेंट में अब कुछ दिन से लोगों को ये पता चला है कि वाईटी को बार-बार ओपन -बार करने से हमारे व्यूज घट रहे हैं या हमारी चैनल डेड हो रही है या आपके चैनलों पे व्यूज नहीं आ रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन है वाईटी को बार-बार ओपन -बार करना तो वाई को क्यों ओपन किया जाता है गाइस वाई को हम आपको पता ही होगा कि वाई हमारा एक चैनल का मेन पार्ट है हमारे यूट्यूब का यूट्यूबर का एक मेन पार्ट है क्योंकि उस वाई के द्वारा ही हम अपने चैनल का एनालिसिस देख पाते हैं वहीं से हमको पता चलता है कि हमारे चैनल पर क्या अपडेट हुआ है क्या हमारे लाइक आए हैं कितने हमारे व्यूज़ आए हैं कितने हमारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं कितना हमारा चैनल रेशियो गया है तो ये सभी चीज़ें हमको अपने वाई से ही पता चलती है कोई कोई तो वाई को सौ बार खुलता है कोई दो सौ बार खुलता है कोई हज़ारों बार खुलते हैं तो गाइज इस तरीके से हमको वो वाइटी अपनी बार बार वाइटी स्टूडियो मतलब यूट्यूब स्टूडियो हमको बार बार ओपन करना पड़ता है जिससे कि ऐसा हमारे चैनल के साथ में ऐसा हो जाता है कि हमारा चैनल डेड हो जाता है मेन रीजन है वाइटी स्टूडियो तो लोग वाइटी स्टूडियो को तो हजारों बार खोलते होंगे हजारों बार सौ बार दो सौ बार पचास बार बीस बार दस बार हजारों बार वाइटी स्टूडियो को खोल खोल करके देखते हैं क्योंकि अब वो उन्होंने वीडियो अपलोड किया क्योंकि वाइटी स्टूडियो पर अब ऑप्शन भी आ गया है अपनी वीडियो अपलोड करने का तो वहां पर हमने वीडियो अपलोड किया उसके बाद में हमने उसको अनलिस्टेड कर दिया उसके बाद में हमने जैसे ही उसको पब्लिक किया तो लोगों की ये मोनोपोली होती है कि अब हम उसको दस दस मिनट में खोल करके देखेंगे कि हमारे वीडियो पर क्या रेशियो रहा है हमारे वीडियो पर कितने व्यूज आ गए हमारे वीडियो पर कितने लाइक आ गए हमारे वीडियो कितने मिनट चल गया हमारे वीडियो पर व्यूज ड्यूरेशन क्या है तो इन्हीं कारणों की वजह से हम जो है अपने वाई टी को वाई टी को ओपन करते हैं क्योंकि वहां पर ही हमारे चैनल का एनालिसिस सारा सारा मिल सारा मिल जाता है सॉरी और वहीं पर हमको ये भी पता चलता है कि हमारे YouTube से अर्निंग कितनी हो रही है अगर मान लीजिए किसी का चैनल मोनेटाइज है तो उसको वहां पर यह भी पता चलेगा कि हमारा जो है अर्निंग कितना हुआ कितने मिलियनों में व्यूज आ गए या कितने के बन गए ये सभी बातें हमको अपने वाई से ही पता चलती हैं तो गाइज मैं आपको यही कहूंगी कि वाई YT को आप उतने ही खोले हैं जितने की जैसे कि आपने वीडियो अपलोड किया ठीक है वाई पर आपने वीडियो अपलोड कर, कर दिया उसके बाद में जब आप उसको पब्लिक करते हैं तो कम से कम थोड़ा वेट करें कम से कम थोड़ा वेट करें तीन घंटे चार घंटे आठ घंटे कम से कम इतना टाइम दें यूट्यूब को अपनी वीडियो रिकमेंड करने का तभी तो आपकी वीडियो रिकमेंड होगी जब आप बिल्कुल डालने के साथ ही अपलोड करने के साथ ही आप तुरंत चिपक गए वाई में खुलने के लिए तो इस तरीके से आपके ही चैनल पर आपका ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा समझ रहे हैं तो इस तरीके से मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद में कम से कम कम से कम चार घंटे का गैप दिया करें चार घंटे नहीं तो तीन घंटे तो मान के रखिए कि आपको इतना टाइम तो अपनी वीडियो अपलोड करने के बाद में अपनी वाई को देना ही है ठीक है मेन बात यह है कि हम जितने भी यूट्यूबर हैं हम जितने भी चाहे वो न्यू यूट्यूबर हो चाहे वो न्यू क्रिएटर हो चाहे वो ओल्ड क्रिएटर हो चाहे वो कितने भी ओल्ड हो चाहे वो कितने भी बड़े हो और कोई चाहे कितना भी छोटा हो उन सब का मेन पार्ट वाई ही आता है तो ये चीज़ है हम अगर अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमको वाई टी देखना ही होता है कितना भी हम चाहे भले हम चार घंटे में देखेंगे तीन घंटे में देखेंगे लेकिन हमको अपना वाई चेक करना ही होगा क्योंकि ये हम अगर वहां नहीं देखेंगे तो हमको अपनी YouTube की वीडियो के बारे में हमको कुछ नहीं पता चलेगा कि हमारी वीडियो कितना परफॉर्मेंस कर रही है कहाँ कहाँ चल रही है क्या क्या चल रही है कैसे चल रही है या नहीं चल रही है या क्यों नहीं चल रही है ये भी हमको अपने वाई से ही पता चलता है अब गाइज बात करते हैं कि यूट्यूब की वाई को हम बार बार खोलने से क्या हमारा वाकई में चैनल डेड हो जाता है तो गाइस ये एक ट्रेंड हो गया है लोगों ने एक ट्रेंडिंग मित बना लिया है कि ये दिमाग में ये बना लिया है कि क्या हम वाई को बार 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 ओपन करेंगे तो क्या चैनल डेड हो जाएगा अरे कभी नहीं हो सकता वो यूट्यूब का ही हिस्सा है एक यूट्यूब चैनल का ही हिस्सा है वाई अगर वाई को एक हजार तो क्या आप पांच बार भी खोलेंगे तो आपका चैनल कभी डेड नहीं हो सकता है क्योंकि वहां पर ही आपके चैनल का पूरी परफॉर्मेंस आ रही है आपके व्यूज आ रहे हैं आपके सब्सक्राइबर आपको पता चल रहे हैं आपकी वीडियो पता चल रही है आपकी वीडियो का ड्यूरेशन पता चल रहा है आपकी अर्निंग का पता चल रहा है आपके सब्सक्राइबर का पता चल रहा है ये सब आपको एनालिसिस के द्वारा ही पता चल रहा है वाई में तो गाइज इस बात के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहे कि हमारा चैनल हम वाई को ओपन करेंगे तो डेड हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा समझ आया ऐसा कुछ नहीं होगा तो गाइस बेधड़क आप वाई को कितने बार भी खोलिए कितने बार भी उसको बंद करिए कितने बार भी उसको ओपन करिए कितने बार भी उस पर वीडियो अपलोड करिए कितने बार भी आप उसे चेक करें आपका चैनल कहीं नहीं जाने वाला सुरक्षित है एकदम ये लोगों का ट्रेंड है ये लोगों ने ट्रेंड बना दिया है वीडियो बनाने के लिए वीडियो अपलोड के लिए एक दिमाग में मित बना लिया है कि नहीं नहीं हमारे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो क्या कारण है अरे ऐसा कारण है कि हमने वाइट बार बार खोल रहे हैं इस वजह से शायद व्यूज नहीं आ रहे ऐसा कुछ नहीं है ये ट्रेंड जो है गजब का ट्रेंड है इस पर लोगों ने हजारों लाखों वीडियो अपलोड कर दिए कि साहब वाइट बार बार ओपन करने से व्यूज गायब हो रहे हैं चैनल डेड हो रहे हैं चैनल खत्म हो रहे हैं तो ये एक गजब का ट्रेंड है तो गाइज इसलिए हाँ मैं एक बात आपको बता सकती हूँ कि इस समय पर ब्यूज की शॉर्टेज चल रही है क्यों चल रही है इसका भी एक कारण है इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है वो कारण ये है कि आजकल जो पब्लिक हो गई है थोड़ा चेंज हो गई है थोड़ा सा चेंज हो गई है क्योंकि अब क्या है वो अब लॉन्ग टर्म जो है वीडियो वॉच करना कम पसंद कर रही है लॉन्ग परफॉर्मेंस की वीडियो को कम पसंद कर रही है अब क्या है कि आजकल एक एक मिनट की वीडियो अपलोड हो रही हैं रील बन रही हैं जो इंसान को दस मिनट में जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलने वाली है मान लीजिए दस मिनट में जो आप बताना उसको चाह रहे हैं वो उसको एक मिनट में मिल रही है वहां पर तो कोई इंसान दस मिनट की वीडियो क्यों देखना चाहेगा वो एक मिनट की वीडियो देख करके फुल जानकारी ले लेगा ले तो इसलिए हमारे जो है व्यूज़ ड्यूरेशन कम हो रही है इसलिए हमारे वाई में व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जा रहा है ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो चल नहीं रही हैं देखने वाले बहुत लोग हैं जो कि लॉन्ग वीडियो भी देखते हैं और समझते हैं इन चीजों को तो गाइज यही थी वीडियो जो मैंने आपको इसमें बताई आप बेधड़क रहे आप वीडियो को अपने वाइटी को कितने बार भी ओपन करें कोई नुकसान नहीं होगा आपका हाँ बट ये है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपकी वीडियो अच्छी होनी चाहिए आपके वीडियो पर अपने आप व्यूज आएगा क्या है ना कि इस समय पर बहुत से यूट्यूबरों ने इस कंट इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है तो लोगों ने एक माइंड सेट कर लिया है अपना कि वाई को हम बार-बार ओपन बार करेंगे तो हमारा चैनल डेड हो जाएगा तो ये तो ये चीज है आप इस चीज का बिल्कुल भी टेंशन चेक कीजिए आपका चैनल पर कोई भी ऐसा नहीं होगा आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए आपका व्यूज अपने आप आएगा और दूसरी बात है व्यूज ना आने का यूट्यूब का भी खुद खुद का अपना एल्गोरिदम है तो वहां पर जो टाइम टू टाइम वो चेंज होता रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो इस वजह से भी कभी कभी व्यूज ड्यूरेशन हमारा डाउन हो जाता है कभी टेन परसेंट किसी का हुआ है किसी का भी ट्वेंटी परसेंट हुआ है किसी का जितना जितना जिसका है जिस हिसाब से तो वो कुछ ड्रॉप भी होता जाता है कुछ कम हो जाता है कुछ अपने आप उड़ जाता है तो ये सब एल्बोरिदम के हिसाब से यूट्यूब के चलता रहता है फर्स्ट स्टेप ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोग बाग अब जो है है शॉर्ट्स ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं तो ये भी कारण लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लोग बाग कम पसंद कर करें क्योंकि उनका इंटरेस्ट थोड़ा चेंज हो गया है जो चीज उनको टेन मिनट में मिल रही है वो चीज उनको एक मिनट में वहां मिलेगी तो हर कोई इंसान एक मिनट की वीडियो देखना पसंद ज्यादा करता है तो इस वजह से और व्यूज ड्यूरेशन थोड़ा डाउन होता जा रहा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है ऐसी बात नहीं है कि लॉन्ग वीडियो परफॉर्मेंट देखी नहीं जाएगी देखी बराबर जाएगी हमारी आपकी सबकी वीडियो देखी जाएंगी बस ये, हमारे में दम होना चाहिए। तो ये थी अपडेट जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताई उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी हेल्पफुल लगी होगी तो गाइज आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइज उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स मेरी इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे आपको और नेक्स्ट वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप अगर मेरी वीडियो को फुल कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो आपको समझ आ जाएगा क्या वाकई वाइटी स्टूडियो को बार बार ओपन करने से हमारा चैनल डेड हो जाता है मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत आभार सभी को राधे राधे जो मेरे चैनल पर आकर अपना कीमती समय मुझे देते हैं तो गाइस इसी तरीके से अपना सहयोग बनाए रखिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए आप सभी से मैं यही उम्मीद करती हूँ तो गाइस मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे गाइस उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक like और शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग